ओके okay, वेलकम uh, जी स्टूडेंट ठीक है आज हम बात करेंगे नेक्स्ट फैमिली है फैमिली चीनो ठीक है अच्छा ये जो फैमिली है फैमिली चीनो ठीक है आप यहाँ देख सकते हैं uh, ये जो फैमिली सॉरी चीनो है इसे बीट या चिकंदर फैमिली भी कहते हैं ठीक है थीके? इसमें ये बीट फैमिली है चिकंदर फैमिली याद रहेगा अच्छा इसकी वही वही सेम पैटर्न बेटा हम फॉलो करेंगे सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे ठीक है उसका जो हैबिट है और बाकी सारी चीजें ठीक है थीके? तो वो देखते रहते हैं साथ ठीक सा, है ठीक है वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे डेट इज हैबिट हैबिट की बात करें ना तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर हैलोफाइड अब देखिए हैबिट की बात करें एनिमल

ये हर्ब्स अच्छा मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर हेलोफाइट हेलोफाइट्स आपको बताया था उस दिन भी हेलोफाइट्स का मतलब साल्ट लवर ना हेलोफाइट्स का मतलब होता है साल्ट टॉलरेंट यानी ये जो फैमिली है ना जो बड़ी सी ठीक है अच्छा यार ये देखिएगा हेलोफाइट्स मैं इसको चेक करूँ कोई और नहीं एड हुआ अच्छा जी बेटा हेलोफाइट्स का आपको आइडिया हो गया ठीक है हेलोफाइट्स जो है ना साल टॉलेंट होते ये, ये जो फैमिली है ये ऐसे प्लांट्स हैं ठीक है जो साल्ट लवर है ये सब पूछ लेते हैं एमसीक्यूज वगैरह में ना फिर ब्लैंक्स में आ जाता है fight, tolerant, इसका मतलब साल्ट भी होगा और साल्ट लवर भी होगा ठीक हो गया अच्छा दे हैव जीरोफिटिक जीरोफिटिकेक्टरिस्टिक आपको बताया भी था कि जीरोफिटिक जीरोफिटिकेक्टरिस्टिक कौन सी होती हैं जो ड्राई कंडीशन होती हैं दे ग्रो ऑन सैलिन साइल यानी ये सैलिन साइल में जहाँ हमें साल ज़्यादा होता है इस किस्म की साइल में ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकती हैं अच्छा रूट्स की बात करें मोस्टली फाइबरस टैप रूट एक्सेप्ट बीट विच हैज़ ट्यूबरस रूट ये अगर बात हम करें तो रूट्स के वाले से तो मोस्टली फाइबरस टैप रूट एक्सेप्ट बीट विच हैज़ ट्यूबरस रूट्स इन सब में वैसे फाइबरस रूट्स होते हैं लेकिन जो ये है बीट है ठीक है बीट के अंदर जो होती है, वो टैप रूट होती हैं मीन ट्यूबलेस रूट होती हैं ठीक है थीके? अच्छा स्टेम की बात करें तो उस स्टेम जो है हर्बेशियस सिलेंड्रिकल डेंस कवरिंग ऑफ हेयर्स ऑन स्टेम स्टेम जो है इसकी ज़्यादा हल्प जो ज़्यादा हर्बेशियस है और सिलेंड्रिकल डेंस सिलेंड्रिकल बताया था आपको बिल्कुल जो गोल स्टेम होती है डेंस कवरिंग ऑफ हेयर्स ऑन स्टेम और अगर देखें ना तो इस प्लांट की स्टेम पर ज़्यादातर हेयर uh, होते हैं ठीक है के ऊपर लीव्स की बात करें तो लीव्स देयर लीव्स आर फ्लैशी इसकी लीव थोड़ी सी फ्लैशी होते हैं थिक होते हैं Alternate बता चुका आपको सिंपल एक्स का मतलब है विदाउट विदाउट होते हैं ठीक है ऑफर स्केल लाइक और ये स्केल लाइक -like होते हैं इसकी जो स्ट्रिप्यूल इस होते हैं लीव की डंडी के ऊपर जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है वो स्ट्रिप्यूलते हैं सम आर लीफलेस ठीक है ये मैं दोबारा पढ़ता तो, हूँ लीव्स की बात करता हूँ द लीव्स आर फ्लैशी अल्टरनेट सिंपल एक्सट्रिपुलेट ऑफन स्केल लाइक लीव की बात हो रही है सम आर कम्प्लीटली लीफलेस सम आर कम्प्लीटली लीफलेस यानी लीफ बिल्कुल स्टेम की तरह ऐसे नजर आती है ना ब्रश जैसे ब्रश नहीं होता ऐसे प्लांट का स्ट्रक्चर नजर आता है अच्छा इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे बच्चे इन्फ्लोरेसेंस जो है डेंस साइमोस क्लस्टर्स विद यूनिपेरिस और बाईपेरिस और बोध ये बात सुझा तो देखिएगा ये देखिएगा दिस वन ठीक है ये आप देखिएगा यहां पर ये है ना ठीक है ये स्टेम है अब ये देखिएगा ये लीफ है इसका ठीक है ये लेट्स सपोज लीफ है ये और ये देखिएगा ये इसका फ्लावर है एक फ्लावर ये है। अब देखो साइमोस ना साइमोस भी पहले टिप वाला फ्लावर निकलता है फिर साइडों से ये वाला फ्लावर निकलता है फिर इसके साइडों से ये ऐसे अब ये और बात समझा दू ये देखिए ये फ्लावर एक फ्लावर ये इसके साइड से निकलेगा फ्लावर ये फिर इसके साइड से निकलेगा फ्लावर ये ये देखो जब साइड साइड से ऐसे फ्लावर निकलेगा इससे फ्लावर निकलेगा इससे फ्लावर निकलेगा इसे बोलेंगे यूनिबेरिस साइन ठीक है इसे बोलेंगे यूनिबेरिस साइन और जब ये देखो जब ऐसे हो ये एक फ्लावर देखो ये एक फ्लावर यहाँ से निकलेगा एक फ्लावर यहाँ से और एक फ्लावर यहाँ से यानी दोनों साइड से जब ठीक है डंडी की इस साइड से भी इस साइड से भी दोनों साइड से निकलेंगे फ्लावर्स इसे बोलेंगे बाई पैरिस ठीक है ये है बाई पैरिस और जब एक तरफ ऐसे होगा इसे, हो इसे। इस बोलेंगे यूनीस इसको सिंपल में बताऊँ ऐसे होता है, नहीं नहीं है ये देखो ये एक फ्लावर निकला ये एक फ्लावर निकला एक फ्लावर फिर यहाँ से यहाँ से ऐसे ये ये एक साइड पे ये यूनीटर कह लें ये पैरिस और ये देखिए जब ऐसे होगा इधर भी फ्लावर निकल रहा है ये लिखे इधर से भी निकल है इधर से भी निकल रहे फ्लावर फिर यहां से भी निकल रहा है यहां से भी निकल रहे यहां से भी निकल रहे दोनों साइड से जब दोनों साइड से निकलेगा तो इसे बोलेंगे बाई पेरिस्ट आइडिया हो गया बच्चे बेटा इसका समझ आ गया जी मैंने बताया डेंस क्लस्टर है ये डेंस क्लस्टर ये डेंस क्लस्टर है ये फ्लावर्स की तो बता रहे हैं इसमें कि ये जो है ना डेंस क्लमोस क्लस्टर्स विद यूनिवर्स का मतलब समझ आ गया जब एक साइड से ना निकलते जाएंगे फ्लावर ठीक है ना पहले टिप वाला फ्लावर निकलेगा फिर उसकी साइड से एक तरफ से, से मतलब फ्लावर निकले फिर एक साइड से दोनों दुर, जब दोनों साइड से निकलेगा फ्लावर क्या बोलेंगे बायपेसाइम बेटे ये आइडिया हो गया जी आपको आइडिया हो गया यूनिपेरस बायसाइम का शाबाश मुझे बता दी जी बेटा सही है मैं देखो तो फिर डायग्राम समझा ये, ये एक दो फिर देख ली ये देखे अब ये देखे यहाँ पे गौर से ये ट्रिपल ऑफ फ्लावर निकला ये दोनों साइडों से निकले ये बाई पैरस अब ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये टिप फ्लावर है एक ये निकला फिर इस तरीके से यहाँ भी अब ये देखिएगा ला लाइक दिस वन ठीक है अब ये देखिए आपको सारा समझा दिया ये देखिए इस तरीके से ठीक है ना ये देखिए ये एक तरफ निकलता गया ये फिर एक लीटर फिर एक लीटर और जब दोनों साइड निकलेगा तो डेट इज कार येगा अच्छा अब ये भी हो गया दीज क्लस्टर्स आर ऑन पैनिकल्स आर स्पाइक अब ये बात समझाइए पैनिकल का ना अब ये देखिएगा पैनिकल क्या है अ, ये देखिएगा मैंने पैनिकल बताया था बहुत ये पैनिकल है ये जो है ना ये ये हाली ब्रांच को बोलते पेनिकल ये जो हाली ब्रांच है ना ठीक है इसे क्या बोलेंगे पैनिकल, ये पैनिकल है और के होते हैं। ये ये। ये होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट जब बिल्कुल फ्लावर्स डायरेक्ट अटैच होते हैं like बोलते हैं स्पाइक ठीक हो गया ये है स्पाइक्स समझ आ गया ये स्पाइक होता है ये स्पाइक्स है जिसमें जो है फ्लार विदाउट डंडी होता है ये है स्पाइक अच्छा अब फ्लार की बात करते हैं फ्लार क्या है पेट स्लेट यानी इसके बाद इसकी, इसकी स्टॉक होती है uh, आगे ई आपको समझाया था ईट का मतलब क्या होता है विदाउट ब्रेक्ट यानी जब फ्लार के स्टाक पर ब्रेक्ट ना हो उसे बोलते हैं एक्टिनो एक्टिनोमॉर्फिक आपको बताइए जब हम एक से ज्यादा एक्सिस में इसे इक्वल पार्ट्स में कट कर सके इसे एक्टिनो कहते हैं रेगुलर का मतलब आपको पता ही है ठीक है और इनकम्प्लीट का मतलब आपको पता मतलब है हार्मोफोराइड भी आपको आइडिया है बायसेक्सुअल रियली यूनिसेक्सुअल एंड हाइपोग आपको आइडिया है का मतलब क्या होता तो है स्पिर ओवरी जब ओवरी जो है ऊपर रह जाए और जो लेवल होता है वो नीचे रह जाए पेरियंथ की बात करते हैं पेरियंथ का मतलब बताया था आपको कि जब सेपल्स और पेटल में हम डिफ्रिशिएट ना कर पाए इसे बोलते हैं पेरियंथ थ्री पेरियंथ लीव्स होते हैं स्टेम की बात करते हैं ठीक है और वेरिएबल फ्री होते हैं यानी यानी होते हैं टू जो जो सैपल्स है ना कि आपको पता है जब पेरियंथ तब कहते हैं जब सैपल्स और पैटल डिफ्रिशिएट ना कर सके ना तो ये उसके पेरियंथ के अपोजिट होते हैं जो है स्टेम और स्टेमन आप सबको आइडिया है ये मेल पार्ट होता है कार्पल की बात करते हैं कार्पल बाइकल पैटल का मतलब दो कार्पल होते हैं ठीक है

एक होता है एक होता है इंडहिशेंट यहां इसका मतलब क्या होगा इंडहिशेंट का कौन बताएगा? इंडहिशेंट किसे कहते हैं जी इंड का मतलब होता है जो पकने पे फट खुद ना फटे उसको तोड़ना पड़ता है ठीक है इंडहिस्टेंट वो नट होता है वो फ्रूट होता है जो पक जाए लेकिन वो खुलता नहीं है और जो जो होता है ना डिस्टेंट वो खुद ही अपने टाइम पे आके फट जाता है ऑफ़न एनकलोज बाय परसिस्टेंट पेरियंथ ये बताया था मैंने अभी कि ये जो फ्रूट है ये इस खरीद ये घेरा डला होता है इसका पेरियंथ का ठीक है सीड की बात करें तो एंडोस्पम्पिक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक भी होता है अच्छा फ्लोरल फ्लोमोला की बात करें तो ये देखिएगा फ्लोर फुलला बहुत ईजी है आपको पता है एक टूनोमाफिक बाई सेक्शुअल ये देखिए पैरियन थ्री एंडोशियम फाइव फ्री गनोशियम देखिए ये टू यूनाइटेड एन ओवरी यहाँ आ जाए मतलब फ्लोरिडा ग्राम पे ये देखिए मदर एक्स ये देखिए ये इसके है, है, सेप्पल हैं फ्यूज हैं ठीक है अब देखो सैपल पैटल यहाँ पे कट्ठे हैं फर्क नहीं हो रहा ना देखिए सैपल पैटल का फर्क नहीं कर पा रहे सेप्पल पैटल कट्ठे हैं एक जैसे हैं तो ये पैरियंथ है ये देखिए ये स्टीमन है पाँच ही देखिए ये स्टीमन शो की हैं ये 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 देखिए देखिए है ठीक है बेटा डायग्राम देख ले ठीक है ये देखिए ब्रांच ये देखिए ये ये, ये है चिनोपोडियम ची का ये चीनोपोडीसी फैमिली ये देखिए फ्लॉर्स का देखें ये स्टेमन देख लें आप ठीक है ये सारा हो गया ये देखें ये इसने बताया आप ये दिखे और ये देखें आप ये इसकी ओवरी ठीक है ये बेस पे टैच है अच्छा आप बेटा ये भी आगे कर लेते हैं इजी है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है के, जी इकोनॉमिकली बेटा बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें ना तो आपको सारा आइडिया है ठीक है ना आपको सारा आइडिया है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आपने क्या पॉइंट्स लिखने हैं लिखिएगा वेजिटेबल में आपको बता दो मैं इकोनॉमिकली सोर्स ऑफ वेजिटेबल दिस फैमिली गिवस सम वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स देयर लीव्स एंड स्टेम्स आर सकुलेंट थिक होते हैं लेदरी होते हैं जूसी होते हैं एंड यूज एज ग्रीन वेजिटेबल्स सम ऑफ दीज आर स्पाइनिज ये पालक जो है देखे पालक के पत्ते देखा अपने जूसी टाइप थे होते हैं स्पाइनज हो गया पालक जो है चीनोपोडी में प्लांट है चीनोपोडी में एल्बम इसको बाथू बोलते हैं लिखा हो बाथू एंड गार्डन बीट चिकंदर जो है ना ये सारे बेटा वेजिटेबल के सोर्स पे इस्तेमाल होते हैं पहला पॉइंट है वेजिटेबल का दूसरा है सोर्स ऑफ केन शुगर ये शुगर केन जो है ये भी इसी फैमिली में है। मतलब शुगर केन शुगर का मतलब ये नहीं है कि फैमिली अब केन शुगर मतलब है कि ये मीठी के लिए चीनी के लिए इस्तेमाल होता है केन शुगर वैसे शुगर केन होता है गन्ना लेकिन वो शुगर केन जो गन्ना है वो फैमिली आ, पो से बिलोंग करता है लेकिन ये वैसे बताया गया सोर्स ऑफ केन शुगर मतलब है चीनी के लिए ना शुगर बीट चुकंदर जो है इज अ सोर्स ऑफ शुगर यानी केन शुगर ठीक है ये मतलब है अच्छा अबाउट वन थर्ड शुगर ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर बीट ये चुकंदर से भी चीनी जो है वो गेन होती है अच्छा फादर फादर कहते हैं चारे को ना फादर की बात करें तो चीनो चीनो हैज ग्रेट वैल्यू एज फादर ठीक है नन ऑफ इट्स मेंबर इज ये जो फैमिली आपने याद रखनी है ये जो फैमिली चीनू पड़ेसी है आ, इसकी जो फैमिलीज हैं ये सारी की सारी मतलब रूटीन में को, कोई भी पॉइनस नहीं है एक भी मैंबर इसका पॉइजन नहीं है सम ऑफ समाडर और सिलसिला एट्रिप्लेक्स ये प्लांट का नाम है ठीक है सिलसिला एट्रिप्लेक्स जो है सिलसिला अलग है एट्रिप्लेक्स अलग है ये दोनों जो है ना एज अ फादर खाने के दोबे जानो के खाने के दोबे इस्तेमाल होते हैं बेटा आईडिया हो गया आगे बेटा रिक्लिमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल देखो आपको बताया था ना कि ये जो प्लांट्स होते हैं चीटोपडसी के ये ये साइल भी होते हैं और साल्टी तो ऐसे को ना वहां किया जाते है। जहां पे हैं बहाली को बहाल कर देती मतलब है ना रिक्रमेशन ऑफ अलग का मतलब मोस्ट फैमिली आर हेलोफाइट्स हेलोफाइट्स वो जो हैं साल्ट लवर होते हैं तो इसलिए ये प्लांट्स ऐसी जमीन में ग्रो किए जाते हैं जहाँ पे अल्कलाइन साइल हो ताकि वो बहाल हो जाती है दे इजली ग्रो ऑन अल्कलाइन साइल एंड एबजॉर्ब फ्रॉम इट्स जैसे बताया ये साल्टी बेटा साइल में हम ग्रो करते हैं ताकि साल्ट को एब्सॉर्ब कर ले अच्छा ये वाशिंग सोडा की बात करेंगे देखेंगे वाशिंग सोडा ये लिखिएगा वाशिंग सोडा के तौर पर एशेज ऑफ ठीक है ये मैं आपको बता देता हूं द एशेज ऑफ ये अभी बताया प्लांट का नाम है एंड ये लिखिएगा प्लांट इसका बता दे तुम एंड द प्लांट इज कॉल्ड ठीक है ये एक तो है सैलसेला दूसरा है स्वेडा ठीक है और दूसरा है दैट इज स्वेडा सोडा यानी जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है ना वॉशिंग सोडा स्टेन वगैरह खत्म करने के लिए तो ये वाशिंग सोडा भी इन प्लांट से गेन होता है अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें ना ठीक है अगर हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें ना यहाँ पर ठीक है तो देखिएगा ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आएंगे सम प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर ग्रोन फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज ठीक है यानी ये फैमिली ऑर्नामेंटली भी इंपॉर्टेंट है सम ऑफ दीज आर कोचिया स्क्रोपेरिया ये प्लांट का नाम है ठीक है ना इसका नाम है कोचिया स्क्रोपेरिया ये प्लांट का नाम है एंड कोचिया ट्राइकोफाइला ये आपने बस नाम मुश्किल है आप याद करें ये ऑर्नामेंटल है ठीक है ना अच्छा वीड्स की बात करते weeds, हैं सम प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर डेंजरस वीड्स कुछ बहुत डेंजरस वीड्स हैं एलर्जी काज करते हैं डेंजरस वीड्स हैं जैसे सैलसला है अच्छा चीनोपोडियम और सम इम्पोर्टेंट वीड्स इन आर कंट्री हमारे ये ना अक्सर ये जड़ी बूटियाँ ऐसी चीनोपोडियम वगैरह ये जो यानी फजूल में आ, वैसे हमारे लिए फजूल लगती है लेकिन असल में बहुत ये इनका पर्पज़ होता है ये चीनोपोडियम जो है ये वीड्स हैं इम्पोर्टेंट वीड्स हैं ये बहुत नॉर्मली हर जगह ग्रो हुई होती है ना अच्छा मेडिसल यूज में आपको बताता चलूँ मेडिसिनल यूज की बात करें ना सम मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली गिव डिफरेंट मेडिसिनल प्रोडक्ट्स ऑयल ऑफ चिनोपोडियम ये चिनोपोडियम है ना बाथू इससे ऑयल बनता है ठीक है ये लिखिएगा ऑयल ऑफ चिनोपोडियम इज यूज अगेंस्ट हुकाम अब ये बताऊं हुकाम क्या है बेटा ये जो हुकवाम है ना ये एक uh, एनिमल का नाम है ठीक है हुक्वाम एक कीड़ा है ठीक है ये हुक्वाम जो है ये कीड़ा है और ये जो है ना फायलम एनलीडा ठीक है सॉरी वो जो निमोडा है उससे बिलोंग करता है हुक्वाम और एक पिनवाम। हुकाम को बोलते हैं एंटीरो आ, इसको बोलते हैं डोडोनैली साइक्लोस्टोमा डोडोली ठीक है साइक्लोस्टोमा डोडोनेली ये फाइलम है एनिमेलिया का आ, जो फाइलम है उस ये बिलोंग करते हैं हुकवाम और ये बच्चों के इंटेस्टाइन में रहते हैं और बच्चों को ना एनीमिया काज करते हैं और ये बीमारी काज करता है ठीक है ना हो गया बेटा आइडिया ठीक है ठीक है अच्छा असल में आज लाइट भी नहीं है सुबह से तो फिर भी चले मैंने कहा चलो बाकी नेट शेड तो चल रहे अच्छा बेटा ये समझा दिया देखिएगा ये मैंने बता दिया ये मेडिसिन यूज ना ये बता दी मैं इसकी बात कर तो हुक्कवाम की ना हुकवाम का नाम है एनसाइकलोस्टोमा डोडोली और एक होता है पिन वाम ना उसका नाम है एंटीनोबास वर्बी ना ये फाइलम निमोडोड से बिलोंग करते हैं ठीक है बेटा मेस्टल यूज भी हो गया अब प्लांट्स के नाम पर आते हैं ये देखिएगा कॉमन स्पीशीज में बीटा वलगैरिस शुगर बीट ये अपने याद रखने चिनोपोडियम एल्बम बाथू स्पाइनिशिया और इसके पालक स्पाइनिज और स्पाइनिशिया गलेबरा समर स्पाइनिज ये आप आपको आइडिया होगा ये तो हम खाते हैं ना जो पालक है ठीक है ना ये है स्पानेसिया गलेब्रा इसके थोड़े से बहुत शाइनी और थिक लीफ होते हैं ना अच्छा बेटा ये देखिएगा बीटा वलगैरह पेपर देता हूँ मैं चिनोपोडियम एल्बम स्पानेसिया स्पानेसिया गलेब्रा अब मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ जो तो बच्चे लेट हुए हैं बेटा देखिएगा हमने आज बात की है फैमिली चीनो पे इसको बीच फैमिली बोलते हैं पता होना चाहिए ये हमने रूटीन में जैसे फीचर्स पढ़े हैं हैबिट रूट्स लीव्स फ्लावर ये सारी बेटा पैटर्न आप वही पैटर्न है सारी टर्म्स आपको समझा चुका हूँ फ्लोर फार्मूला है फ्लोर डायग्राम आपको पता है ठीक है ये इसके फ्लावर देख लें ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हमने बात की है वेजिटेबल सोर्स ऑफ केन शुगर ऑफ रिकन साइल वाशिंग सोडा मेडिसन यूज वीट्स ये सारा भी बताया है ऑर्नामेंटल पर्पज ठीक है ना और ये प्लांट्स के नाम है ठीक है बेटा आइडिया हो गया ठीक है जी बेटा फैमिली होगी समझ आ गया सारा